अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सासाराम नगर इकाई के द्वारा पटना के खुसरूपुर में एक महिला को निर्वस्त्र कर पिटाई करने जैसे जघन्य दुर्व्यवहार और पूरे बिहार में लगातार छात्राओं व महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार व धोखाधड़ी जैसी घटना को लेकर और युवाओं के बीच बढ़ते नशाखोरी, प्रशासनिक घूसखोरी, लूटकांड व आए दिन हो रही हत्या जैसी घटना के विरोध में आज सासाराम में आक्रोश मार्च निकालकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया और जमकर बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सासाराम नगर इकाई जिला संयोजक सूरज सिंह, नगर मंत्री रोशन पांडे के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। नीतीश कुमार का पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहा है, क्या लगता है आपको लेकर नीतीश सरकार आपके क्षेत्र में? देखिए, जब तक नीतीश सरकार इस बात को संज्ञान में नहीं लगा तब तक की विद्यार्थी परिषद अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से और अनेक आंदोलनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से नीतीश कुमार के कान में आवाज डालने का प्रयास करेगा। आज पुतला दहन किया गया, इसके आगे आप लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग पुतला दहन किए हैं, अगर इसके आगे कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग सड़क से लेकर के चलन आंदोलन के लिए सदन तक भी जा सकते हैं। आपका नाम? सूरज सिंह, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। रोहतास से न्यूज़ 9 नेटवर्क के लिए लव कुमार की रिपोर्ट।